The NCC, which is National Cadet Corps, aims at developing character, discipline, a secular outlook, the spirit of adventure, and ideals of selfless service among its youth citizens. Further, it aims at creating a pool of organized, trained, and motivated youth with leadership qualities in all walks of life, who will serve the nation regardless of which career they choose. वनिता की ममता न हुई सुत का न मुझे कुछ थोह हुआ ख्याति शुएस सम्मान विभव का क्यों ही कभी न मोह हुआ जीवन की क्या चहल पहल है इसे न मैंने पहचाना सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज स्पीकर मिस श्रुति कुमारी फ्रॉम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो शी इज एन एक्स कैडेट ऑफ एनसीसी शी विल बी स्पीकिंग ऑन NCC Ocean of Opportunity. Ms. Shruti, best of luck. Go ahead with your talk. Okay, thank you so much, Shailendra. न पूछे ये जमाना कि क्या हमारी कहानी है न पूछे ये जमाना कि क्या हमारी कहानी है हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं. जय हिंद एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. I, Shruti Kumari, a graduate scholar and an ex-NCC cadet, welcomes your warm presence on this evening. So, as we all know ki hum sab kal Azadi ka Amrit Mahotsav mana rahe hain, and I'm glad that I'm going to tell you about NCC, National Cadet Corps, an ocean of opportunities. And believe me, after the presentation or after the talk, you will be able to correlate with the topic. So without wasting the time on the overview, let's begin. First, the history. In 1948, Pandit H. N. Khunjru first recommended for the establishment of a cadet organization. And on 8th April, the bill was passed in the assembly. And with no delays, the bill got the assent of the Governor General on 16th of April, 1948. And on 15th of July 1948, NCC of Independent India was inaugurated. In the year 1948, a total of 96 units of senior division were raised and 83 companies of infantry. Infantry ka matlab ye hota hai ki jahan aapko jameeni ladai ladne ki shiksha di jati hai. 1949 mein girls army ka establishment होता है तो आप ये देख सकते हो कि लड़कियों को भी कहीं भी पीछे नहीं रखा गया उनको भी वो प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि वो खुद को भी एक्सप्लोर कर सके 1950 में जैसा कि सर ने भी बताया लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनिल सर ने कि 1950 में नेवल विंग और एयर विंग का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ सो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इफ आई डिफाइन इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्रूट्स कैडेट फ्रॉम हाई स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल ओवर इंडिया जो एनसीसी 20,000 बच्चों के साथ शुरू हुई थी वो एनसीसी में आज के डेट में 13,00,000 कैडेट हैं बट ये नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं है स्टिल द पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड दिस इज अ पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो रिव्यू कर रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की इन पीएम रैली तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएसएस एंड एनसीसी हम सब जानते हैं कि एनसीसी सिर्फ नहीं है एनएसएस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एनएसएस और एनसीसी में डिफरेंस क्या है NSS and NCC में major difference यह है कि NSS में किसी भी NGO या public authority से जुड़कर आप social service provide कर सकते हैं to the society. But NCC में न केवल आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की शिक्षा दी जाती है या society को serve करने की शिक्षा दी जाती है बल्कि आपको और आपके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण किया जाता है ताकि भविष्य में आप चलकर देश का नेतृत्व कर सके और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पीएम सर जो कि खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं मूविंग अहेड द एम्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि टू डेवलप अ कैरेक्टर कॉमरेडशिप डिसिप्लिन लीडरशिप सेकुलर आउटलुक या फिर एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बनाने की ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेन एंड मोटिवेटेड यूथ बट
इफ आई वुड से इन अ समराइज्ड वे, तो इसका क्या एम था एस्टैब्लिशमेंट का? तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक युवा शक्ति है, हम यूथ पावर का देश है, और आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो थी वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। तो एनसीसी का एस्टैब्लिशमेंट ही इसी वजह से हुआ ताकि शुरू से ही यूथ्स में देश के लिए समर्पण और भाईचारा की भावना को बढ़ावा दे सके और उन्हें इतना सशक्त और सक्षम बनाए ताकि वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, अपने आप को इतना कैपेबल वो बनाए कि हर परिस्थिति का वो डटकर सामना कर सके। एंड आई एम ग्लैड टू से कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे एनसीसी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा गया, क्योंकि उन्होंने भी नेशन को सर्व किया इन द हार्ड टाइम्स। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और आप सब ने सुना होगा कि सफलता की गाड़ी को खींचने के लिए दो पहिए बहुत आवश्यक होते हैं, एक तो आपका और आपके परिवार का साथ, या फिर मैं कहूँ कि आपके बैचमेट्स का साथ, एकता, और आप में खुद में डिसिप्लिन। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, फोर प्रिंसिपल्स हैं। ओबे विथ अ स्माइल, अगर आपको पनिशमेंट भी दी जाती है तो आपको उसको मुस्कुरा के एक्सेप्ट करना है। बी पंक्चुअल, नो प्रोकेस्टिनेशन, वर्क हार्ड विदाउट फर्स्ट, बिना किसी झमेले झंझट में पड़ते हुए आपको अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके में अंजाम देना है। मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज, किसी तरह की बहानेबाजी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। This is the flag of NCC. The red color depicts the army. The deep blue color depicts the navy. The light blue color depicts the air wing. तो जैसे कि तीन सेनाएं हैं हमारे देश में, वैसे ही NCC में भी तीन सेनाएं हैं और उन तीनों सेनाओं को represent किया जाता है। NCC के अराउंड जो लोटस है बना हुआ, that represent the 17 directorates, जो कि मैं आगे बताऊंगी directorates क्या होते हैं। This is the uniform of NCC. जो white color है वो depict करता है navy. जो खाकी है वो depict करती है army. And जो grey color है वो depict करती है air force को. जो NCC का थीम सॉन्ग है वो है हम सब भारतीय हैं, जो कि सुदर्शन फकीर जी ने लिखा था, और पहले जो था वो था कदम मिलाकर चल, बट इसको बाद में आगे चल के चेंज कर दिया गया। This is the structure of NCC. I hope कि इतने तक सबको सारी चीजें क्लियर होती गई हैं। So moving forward, सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं DGNCC, Directorate General of NCC. And right now, Lieutenant General Gurbir Pal Singh sir is serving at this post. उसके नीचे अगर आप आओ तो directories, तो मैंने कहा directorates क्या होते हैं? तो जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके रखा गया है, तभी जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली डायरेक्टरेट है, यूपी डायरेक्टरेट है, बट बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को कंबाइन रखा गया है। तो इसी प्रकार राज्य तो 28 हैं, बट हमारे पास 17 डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी की। उनके अंदर सब डिवीजन है जिसको हम ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली डायरेक्टरेट में दो ग्रुप्स हैं, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। उसके अंदर भी डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल बी ग्रुप में भी बहुत सारे डिविजन है जिसको हम कहते हैं यूनिट, जो कि छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, जिसको अगर आर्मी की भाषा में बोलूं तो बटालियन कहते हैं। उन यूनिट्स में भी दो डिविजन होते हैं। पहला हो गया आपका सीनियर डिविजन या सीनियर विंग। डिविजन स्टैंड फॉर द बॉयज एंड विंग्स स्टैंड फॉर द गर्ल्स। वो कहते हैं ना लड़कियों को उड़ने दो, तो इसलिए सीनियर डिविजन एंड सीनियर विंग एंड जूनियर डिविजन एंड जूनियर विंग। सीनियर डिवीजन वो होता है जिसमें सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज आ जाती है, और जूनियर डिवीजन वो होता है स्कूल लेवल का। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल्स में 9-10 में एनसीसी होती है और बहुत सारे स्कूल्स में 11-12 में एनसीसी होती है। दिस इज द रैंक्स इन एनसीसी। तीनों सेना की रैंक दी हुई है, बट इतना टाइम नहीं है कि आई वुड इलैबोरेट ऑल द रैंक्स, बट आई बिलोंग टू आर्मी विंग, तो मैं वो बताती हूँ। सबसे टॉप मोस्ट रैंक जो होती है वो होती है सीनियर अंडर ऑफिसर की एट कॉलेज लेवल। उसके बाद होती है जूनियर अंडर ऑफिसर की, एज आई ऑल्सो सर्वड एज एन अंडर ऑफिसर इन एनसीसी। आई ऑल्सो सर्वड एज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट इन माई सेकेंड ईयर्स, एंड देन द रैंक गोज ऑन। नाउ Who can enroll in NCC? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, because कभी कभी हमें पता नहीं है कि शायद हम इसके लायक हैं या नहीं है। तो any student
who is a citizen of India can enroll in this. अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके एनसीसी में स्वागत है. सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, जो नेपाल के सिटीजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि देश की सेना में एनसीसी सॉरी नेपाली नागरिकों को प्रेफरेंस मिलता है, उसी प्रकार एनसीसी में भी मिलता है. स्टूडेंट विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट बियरिंग गुड मोरल कैरेक्टर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल नहीं है तो आप एनसीसी नहीं कर सकते हैं. नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. अब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो हो, बट अगर आप चाहोगे कि मैं अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, टॉक सुन लिया है, बहुत मोटिवेट हो गया है, अब मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, नो दैट नॉट हैपन. अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है तो कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में ही एनसीसी ज्वाइन करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ज्वाइन करनी होगी फर्स्ट ईयर में क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब स्कूल में एनसीसी नहीं कर पाते हैं. तो क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर होती है एनसीसी की कॉलेज की, उसमें आपको इनिशियल वो स्कूल की पढ़ाई बेसिक चीजें बताई जाती है. एनसीसी क्या है, कैसे ये काम करता है, सारी चीजें बताई जाती है. एंड देन द सेकेंड ईयर एंड देन द फाइनल ईयर. अब बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हमारे कॉलेज में तो एनसीसी है नहीं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं बता दूं कि दिल्ली डायरेक्टरेट जो है वो सिंगल हैंडेडली 56 कॉलेजेस को कवर करता है इन होल दिल्ली एंड 4 यूनिवर्सिटीज को. और अगर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 91 कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल, उसमें से 42 कॉलेजेस में एनसीसी है. बट उनका क्या जिनमें एनसीसी है ही नहीं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका एक बकायदा प्रोसीजर बनाया हुआ है. ओपन एनसीसी खोली जाती है कुछ कॉलेजेस में, उनको वैकेंसी दी जाती है फॉर ओपन एनसीसी. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में ओपन एनसीसी है. वहां पे गर्ल्स की आर्मी विंग की एनसीसी है और उसको जैसे कहते हैं वहां की उनकी जो है वो उसको ए कंपनी कहते हैं और जो ओपन एनसीसी की गई है उसे बी कंपनी कहते हैं. तो वो होता क्या है, अगर आप किसी कॉलेज में हो और अगर वहां पे एनसीसी नहीं है फर्स्ट ईयर में आप हो, आप वहां का एनरोलमेंट प्रोसीजर पता करो एंड यू कैन गो देयर एंड यू कैन एनरोल इन एनसीसी. अगर आपको आर्मी विंग चूज करना है, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे एयर विंग में भी ओपन एनसीसी है, नेवल विंग में भी ओपन एनसीसी है. तो हमारे कॉलेज में भी है, जैसे जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में आर्मी विंग है बट बच्चों को नहीं चाहिए थी तो उन्होंने एयर विंग के ओपन एनसीसी में अप्लाई कर दिया. तो ये सोचने की बात नहीं है कि अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो यू कांट एनरोल, यू कैन. ठीक है, और एक कंडीशन है कि अप टू द एज ऑफ सीनियर डिवीजन के लिए अप टू द एज ऑफ 26 ईयर यू कैन अप्लाई एंड इन जूनियर डिवीजन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स. बट जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट ईयर में ही एनरोलमेंट ले सकते हो आप इन द कॉलेज, क्योंकि जैसे आप कोई भी कोर्स को परस्यू करते हो तो 3 साल की पूरी पढ़ाई के बाद आपको एक डिग्री मिलती है जो आपके कैरियर में काम आती है. सिमिलरली एनसीसी, जब तक आप 3 साल पूरा नहीं करते हो आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी, और फिर अगर आप बीच में भी छोड़ देते हो तो भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और फिर एनसीसी करने का आपको कोई भी प्रेफरेंस एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो ये पूरा प्रोसीजर था एनरोलमेंट का. मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेनिंग क्या दी जाती है. अब ट्रेनिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं फिर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो सब्जेक्ट तो सेम होते हैं बस पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है. सिमिलरली जब हम 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं एनसीसी में तो ट्रेनिंग तो सेम ही होती है, ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स मेथड्स भी सेम ही होते हैं, बट जो ट्रेनिंग के जो लेवल होता है वो हर ईयर बढ़ता जाता है. अब क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, तो पहला आता है आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग. इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, जिस भी आपका जो कॉलेज है या स्कूल है वो जिस भी यूनिट से कनेक्टेड है वहां के ऑफिशियल आते हैं और आपको ड्रिल, मार्चिंग करना, वेपन ट्रेनिंग, हथियार चलाना और जो भी सिलेबस इंक्लूडेड है एनसीसी के बुक में वो आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं. जब आप कैंप ट्रेनिंग में जाते हो तो एक यूनिट में, मैंने जैसे बताया, तो वहां अगर एक यूनिट में 5 कॉलेजेस हैं तो उनका एक कंबाइंड कैंप बुलाया जाएगा और वहां पे फिर सेम चीजें सिखाई जाएंगी बट लेवल थोड़ा ब्रॉड किया जाएगा. वहां पे ये भी हो सकता है कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, 100 मीटर रेस हो और उसमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं.
अटैचमेंट ट्रेनिंग वो होती है जहाँ पे एक से ज्यादा दो यूनिट तीन यूनिट को मर्ज करके वो कैंप बुलाया जाता है और फिर सेम चीजें सिखाई जाती है, बट अगेन द लेवल इज एनहांस. सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैं आगे बताऊंगी. एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि 1949 में गर्ल्स विंग को एस्टैब्लिश किया गया, तो गर्ल्स खुद को पीछे ना रखे, ये ना सोचे कि नहीं हमसे तो एनसीसी नहीं हो पाएगा, वी कांट मेक दिस टू हैपन, सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, बॉयज ज्यादा केपेबल है इसके लिए. तो नहीं, यहाँ पे आगे अगर मैं जाऊंगी, आगे मैं जैसे ही डिस्कस करूंगी, जैसे कि आप आगे की स्लाइड्स में देखते जाओगे, तो मैंने सारे गर्ल्स की ही पिक्चर्स दिए, ऐसा नहीं है बॉयज की भी दिए, बट ज्यादातर मैंने गर्ल्स को दिखाया इसलिए ताकि लड़कियों के दिमाग में ये चीज बैठे कि जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं ना, लोग आते हैं वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उस महिला सशक्तिकरण को एनसीसी बहुत प्रमोट करता है. एनसीसी का एक सिंगल स्लोगन है कि यूथ एम्पावरमेंट, उसमें कहीं भी जेंडर बायसनेस नहीं है, कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. और जब आप ट्रेनिंग के दौरान देखोगे ना, तो जो चीजें लड़कों को करवाई जाती है सेम चीजें लड़कियों को भी करवाई जाती है, जो चीजें लड़कों को अवेल की जाती है वही सेम चीजें लड़कियों को भी अवेल की जाती है, तो कहीं भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है. एक रील मैंने देखी थी, उसमें जो लेडी होती है वो ट्रेनिंग के लिए जाती है और वहां पे जो ऑफिशियल होते हैं वो उससे पूछते हैं कि देखो पढ़ो दीवार में क्या लिखा है, एंड शी रेड लाउडली, We make men out of boys. And the official asks कि हम तुमसे क्या बनाएंगे? Then she answers commando. तो वो commando एनसीसी आप में तैयार करती है इस लेवल पे ही. ये नहीं कि हाँ आप लड़की हो, अरे आप बैठ जाओ, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी. नहीं, they give you the full privilege to enjoy women empowerment through various activities. और मेरे सामने यहाँ कई एग्जाम्पल्स बैठे हुए हैं. सबसे बड़े एग्जाम्पल तो परमिंदर सहगल मैम ही हैं और मेरी केयर टेकर मैम भी रही हैं. वो अभी एएनओ नहीं बन पाई हैं, बट अगर मैं कहूँ कि उनको अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने दिया जाए ना, तो शी इज मोर देन कैपेबल देन एन आईएएस ऑफिसर. तो वो एनसीसी आपको सिखाती है. नाउ मूविंग अहेड, द मेजर पार्ट ऑफ टूडेज सेशन, एडवांटेजेस ऑफ एनसीसी. फर्स्ट, सोशल सर्विसेज. जैसा मैंने बताया, सोशल सर्विसेज करने का आपको मौका मिलता है, सोसाइटी को सर्व करने का. लॉकडाउन के टाइम पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थी, हर कोई डिप्रेस चल रहा था, अनफिट चल रहा था, तो हमने घर से बैठे हमसे जो हुआ हमने वो किया और हर एक एनसीसी कैडेट इस चीज में लगा हुआ था. तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे की पिक्चर है, ये मेरे घर की है. हमने अवेयरनेस भी फैलाया, इवन हमने वो योगा एक्टिविटी का जो वीक पूरा चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू मेक पीपल अवेयर कि आप घर पे बैठे भी हेल्दी रह सकते हो. हमने ट्री प्लांटेशन किया, ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस, एंटी ड्रग्स से रिलेटेड अवेयरनेस. यहाँ पे हमने इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया था, उसमें हमने पेपर बैग्स बनाए थे. लॉकडाउन के टाइम पे बहुत हो रहा था पॉल्यूशन, ये वो इशू चल रहे थे, सारी चीजें मतलब निकल के आ रही थी, तो हमने प्लास्टिक बैग फ्री डे पे पेपर बैग्स बनाए थे और शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था. और आप बिलीव नहीं करोगे कि शॉपकीपर्स ने हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया कि बेटा आप हमें बना के दो, हम आपको इसके लिए पे करेंगे. तो दिस इज वॉट सोसाइटी भी मोटिवेट होती है और आप भी अंदर से मोटिवेट कर होते हो कि येस आई एम डूइंग समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट, नेशनल इंटरनेशनल कैंप्स. तो डिफरेंट तरह के कैंप्स होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप्स भी होते हैं और बहुत सारे कैंप्स होते हैं. पैरासेलिंग, पैरास्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रेकिंग कैंप होते हैं. और अगर मैं बोल तो स्क्यूबा डाइविंग होती है नेवल विंग के लिए, एयरफोर्स से रिलेटेड कैंप्स होते हैं. तो इन सारे नेशनल इंटरनेशनल कैंप्स का मोटो क्या है? सिर्फ आपके अंदर मतलब वो फिजिकल फिटनेस लाना या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराना. और अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये कैंप्स नहीं होते, इवन कल्चर से रिलेटेड कैंप्स भी होते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप कॉर्नर में लिखोगे तो ये पहला एक कैंप हुआ था अभी रिसेंटली, संस्कृतियों का महासंगम. नाम से ही डिफाइन है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैडेट्स आए थे एंड दे शेयर देयर कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, एवरीथिंग. तो कल्चर से रिलेटेड भी कैंप्स होते हैं. इवन उन कैंप्स में बहुत सारी चीजें कराई जाती है, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट,
पोएम रेसिटेशन, रंगोली मेकिंग, एवरी स्किल यू विल सी देयर, और उससे रिलेटेड आपकी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. तो अंदर से वो रहता है मेडल जीतना, मेडल लाना, मेडल लाना है. तो इन कैंप्स का मोटो क्या है? इन कैंप्स का मोटो सिर्फ आपकी ग्रोथ करना नहीं है, आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके देश का ग्रोथ करना है, देश को सशक्त और सक्षम बनाना है, ताकि आगे चल के आप किसी भी फील्ड में सर्व करो, किसी भी फील्ड में अपना कैरियर क्यों ना बनाओ, आप वहां पे पूरे परफेक्शन के साथ उतरो, आपको बिल्कुल नॉलेज हो. आपको ये नहीं कि मैं सीखूंगा या सीखूंगी, आपको ये होगा मैं सिखाऊंगी और मैं सिखा कर ही रहूंगी. मूविंग अहेड, ये हमारे देश की बेटियां हैं, अगेन द वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे देश की बेटियां हैं जो एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं, और हाल ही में बलजीत कौर मैम, उन्होंने माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर पीक स्केल किया है इन अ मंथ, सिर्फ एक महीने के अंदर ही. और ऐसा नहीं है कि ये पहली लड़की है, इनके पहले भी 3 एनसीसी गर्ल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दे स्केल एवरेस्ट और इन 2016. मूविंग अहेड, सिविल डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस, फिर से आ गया एम्पावरमेंट. तो ये नहीं कहूंगी सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट. यहाँ आप देख सकते हो देयर इज अ पिक्चर, यहाँ पे बॉयज को लड़की जो है वो कराटे सिखा रही है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाई जाती है आपको सेल्फ डिफेंस सिविल डिफेंस में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा. सेल्फ सिक्योरिटी सिखाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कैंप में थी तो हमें दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स आए थे और उन्होंने हमें सिखाया था कि आप पब्लिक एरिया में खुद को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो बेसिक चीजों से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पेन है, मिरर है, उससे आप अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो. ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि फिर आ जाती है वही बात कि अगर आपको इतनी इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है ना इतने बेसिक लेवल पे, कि आगे चल के अगर आप अभी आपने किसी चीज में अपना कैरियर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, बट अगर फ्लड आ जाता है या फिर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप इतने सशक्त हो कि आप एटलीस्ट खुद की और अपने आसपास के लोगों की जान तो जरूर बचा लोगे. तो ये एनसीसी आपको प्रोवाइड करता है. और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना कि आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचा सकते हो, ये मैं आगे अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. सेल्फ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग COVID-19. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो टाइम था, ये वो डिफिकल्ट टाइम था जब देश जो है वो महामारी से जूझ रहा था, युवा पीढ़ी जो थी है वो डिप्रेशन से जूझ रही थी, और हर तरफ एवरीवेयर देयर वाज नेगेटिविटी. बट आई एम ग्लैड टू से कि एनसीसी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभा रही थी. आप यहाँ देख सकते हो, शी इज चेकिंग द पासेस फेस शील्ड पहन के, वैक्सीन में भी हमने कंट्रीब्यूट किया था, फिर ब्लड डोनेशन में भी कंट्रीब्यूट किया था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंट्रीब्यूट किया था, बच्चों ने मास्क बनाए थे घर बैठे बैठे. ये भी कहा गया था अगर आप बाहर नहीं आ सकते हो, अगर आपके घर पे से अलाउंस नहीं हो रही है, बिकॉज क्योंकि उसमें वो भी रिक्वायर्ड था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ऐसी महामारी थी कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था. तो घर में बैठे बैठे ही खुद को एंगेज करके लोगों ने मास्क बनाए हैं, उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड की गई थी, कपड़ा प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, अवेयरनेस रैलीज चलाई गई थी. अब गांव में क्या होता है, गांव में लोगों को ये भ्रम बैठ गया था हमने तो मास्क पहन लिया हम कोविड से बच जाएंगे, तो उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाई गई कि आपको सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, आपको हैंड वॉश कब कब यूज करना है, आप अगर सब्जी लेके आते हो तो उसको धोना है और तब फिर खाना है. तो ये सारी चीजें एनसीसी ने की थी. हमारे कॉलेज ने भी एक इनिशिएटिव लिया था एनसीसी कोविड टास्क फोर्स का, जिसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और हम रात के 2 बजे तक काम करते थे, लोगों तक एम्बुलेंस, हॉस्पिटल बेड, प्लाज्मा, मेडिसिन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, मील्स, होम केयर कहाँ मिल रहे, कैसे मिल रहे, वो सब बता रहे थे. एंड रियली इतना अच्छा लग रहा था घर बैठे, जब आप ठीक हो, आपका माइंड हेल्दी है, आपका बॉडी हेल्दी है, और इसने अच्छे कंडीशन में होते होते आप लोगों की घर बैठे मदद कर सकते हो. तो हमने 1000 से ऊपर लोगों की जान बचाई थी, एंड दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस. और हम बहुत खुश हो रहे थे, कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाते थे, बट ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी कि हम खुद भी इंगेज थे और लोगों की हेल्प भी कर रहे थे. तो खुद का भी ध्यान रख रहे थे और सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे थे.
यही वो टाइम था कोविड जब GSTS भी शुरू हुआ था, जिसमें आज मैं टॉक दे रही हूँ। इसी में मैंने इसी दौरान डिप्रेशन पे एक टॉक दिया था। और GSTS ने जो प्लेटफॉर्म खोला है बच्चों को बढ़ावा देने का, रियली इट्स हैट्स ऑफ टू द टीम कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। जो बच्चे कल को बोलने तक को झिझकते थे, वो आज आके 100 लोगों के सामने टॉक दे रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। सो GSTS इसके लिए नहीं, सो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव। और मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ कि NCC इसी हार्ड टाइम्स के लिए, इसी दिन के लिए आपको सक्षम, प्रबल और सशक्त बनाती है। और आप मानोगे नहीं, इतने सारे बातें कहने के बाद मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि सिर्फ NCC के थ्रू ही आप इस लेवल पे, इस एज में इस तरह का ग्रोथ अपने अंदर देखोगे, इस तरह की डेवलपमेंट हम अपने अंदर देखोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ NCC के थ्रू ही हो सकता है, नन अदर देन एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्कॉलरशिप फॉर NCC कैडेट्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रन फॉर NCC कैडेट्स, दैट एनुअल सहारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 1 करोड़ तक की आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, बट इसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको, जिसपे आपको खड़ा उतरना होता है। और वेकेंसी स्कूल्स एंड कॉलेजेस को प्रोवाइड की जाती है। तो आप जैसा देख सकते हो ये मेंशन है, तो आप इसके बारे में रीड कर सकते हो गूगल में, देयर इज नथिंग टू इलैबोरेट सो मच। 500 स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर फ्रॉम कैडेट वेलफेयर सोसाइटी टू 5000 ईच, एंड देन कंसेशन इज गिवन टू SC and OBC कैडेट्स, एंड आल्सो कंसेशन गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न कैडेट्स। Now, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कैरियर नहीं बनाना है आर्मी में, बट जैसे बहुत लोग होते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए NCC को चूज करते हैं, हर किसी को आर्मी में ही नहीं जाना होता है। बट अगर आपको आर्मी में जाना है, द मेन मेजर थिंग कि आपको आर्मी में क्या क्या प्रेफरेंसेस मिलते हैं। हर जगह तो आपको प्रेफरेंस मिलेंगे ही, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रेफरेंस मिलेंगे, बट जो मेन थिंग है आर्मी में आपको क्या प्रेफरेंस मिलती है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उसमें आपको प्रेफरेंस मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सी सर्टिफिकेट नहीं करते तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को ही प्रेफरेंस मिलते हैं। इधर इट बी BSF, CIFS, CRPF, एनी यूनिफॉर्म सर्विसेज, जहां पे आपको वर्दी, यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी पहनने का मौका मिलता है। 32 वैकेंसीज जो है वो SSB में कैडेट्स के लिए रिजर्व होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको CDS रिटन एग्जामिनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। स्पॉट सर्विस कमीशन में भी सीट्स रिजर्व होती हैं, यहाँ आपको प्रेफरेंस मिलती है। स्पेशल एंट्री स्कीम, NCC स्पेशल एंट्री स्कीम में भी आपको प्रेफरेंसेज मिलते हैं, जिसकी ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई एंड OTA ग्वालियर में। जो इंडियन नेवी है वो भी आपको परमानेंट कमीशन देती है इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू NCC ग्रेजुएट्स अगेन, एंड एयरफोर्स में भी आपको परमानेंट कमीशन मिली है इन द फ्लाइंग ब्रांच, अगेन द NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर। और इसमें कंडीशन है कि जो साइंस जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस स्ट्रीम से अगेन, और एयरफोर्स 10% सीट्स रिजर्वेशन भी देता है इन द पायलट कोर्सेज। तो इसमें भी आपको UPSC के एग्जाम में अपीयर होने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो। सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट हम कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं, विल सी ऑन दैट एज वेल। मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी, बस ये बताना चाहूंगी कि ये जो डाटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितनी वैकेंसी आती है NCC कैडेट के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया कि उन्होंने 1100 स्कूल्स को रिकॉग्नाइज किया जहां पे कंपलसरी एजुकेशन की गई फॉर द NCC, ताकि आगे चल के अगर आप NCC नहीं भी करना चाहो कॉलेज में, बट आपको एक इनिशियल और बेसिक नॉलेज जो NCC की है वो दे दी जाए, ताकि नहीं भी चाहते हुए आपका मन बन जाए। अभी इतने लोगों ने टॉक सुना है तो जरूर बहुत सारे कह रहे होंगे, मैं अगर काश 3rd ईयर में कर पाता या काश मैंने NCC ली होती। तो अगर आपको स्कूल में ही ये नॉलेज मिल जाती है, देन इट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। अब
Now the way forward, there is a need to manage the loophole for the largest youth organization, and NCC is not building only a tough soldier who will die for the nation, but ऐसे सोल्जर का निर्माण कर रही है जो 100 को मार के मरेंगे. Also building character, leader and empowering the nation by empowering the youth, as I said, the common goal. NCC also not only provide overall growth to the youths, but also provide them enormous opportunities through which they can develop their skills and stand on their own in the future. आगे मैं एक छोटा सा glimpse show करने जा रही हूँ, and then I will end my talk. My personal growth in NCC from a cadet to an under officer. Here is the picture, and really Janki Devi Memorial College, National Cadet Corps, 5 Delhi Girls Battalion, the caretaker Dr. Debahuti Brahmachari, the professor, the principal Professor Swati Pal, and my teammates, my matchmates, everyone has contributed a lot, my family members, everyone has contributed a lot to make me a junior under officer from a cadet. And really NCC वो platform है जो आपको हर एक skill को enjoy करने का, हर एक activity को enjoy करने का और जिंदगी को बखूबी जीने का मौका देती है. तो I would say कि really you should or everyone should adopt for National Cadet Corps. I will end my talk by saying few lines of mine. राष्ट्रीय Cadet Corps यहाँ कदम ताल है, हथियार हमारी ढाल है, कहलाते हम वीरांगना, हम स्वयं में प्रबल है. दैट्स ऑल फॉर द डे. जय हिंद एवरीवन. थैंक यू मिस श्रुति, इट वाज रियली अ ग्रेट टॉक. द वे यू एक्सप्लेन्ड, यू नो, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी बिट वाज रियली नाइस. थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस. एंड यहां पर काफी लोग नहीं जानते हैं, मिस श्रुति इज गिविंग हर टॉक सेकंड टाइम. इससे पहले भी वो एक बार दे चुकी हैं ऑन डिप्रेशन एंड यूथ. सो कांग्रेचुलेशंस मिस श्रुति. कीपिंग टाइम लिमिट्स इन माइंड, वी आर मूविंग अहेड. एंड सो नाउ वी आर फाइनली going to call our chief guest for final remarks. So Dr. Parminder Sehgal ma'am, please share your final remarks with us. Thank you once again. And there are many other things that Shruti pointed out which are of great value. That is that what NCC imbibes in you, what you go, like she shared, her last slide was a very important slide. It was the crux of the complete training that we give you in 3 years. When you join, you're just a student. You have great aspirations. Coming to aspirations, every stakeholder has a different aspiration. Whether it is your school and college teachers, they have different aspirations for NCC. The cadet has different aspiration for NCC. The army personnel who are there, whether the Navy, Air Force personnel, they have different aspirations from their cadets. They think that they are making an army, which, you know, in the hour of need will be there ready. Students as cadets have aspirations that, yes, tomorrow they'll be able to join the armed forces. Teachers have that they will be making good citizens. So every stakeholder has a different aspiration out of these NCC cadets. So, you know, it is NCC tries to fulfill all these aspirations that are there. And after all this is done, what is finally imbibed is, you can see in front of you is Shruti, right? She joined as a student and today she's such a proud girl, such a confident girl that she doesn't care who is there. She's there to pass her message, pass whatever she had gained. You know, giving is a very big thing. I am sure all of you will understand after a few years when you've passed out, it's not easy to give knowledge also, even if you have it. So this sharing is a type of caring, which we try and, you know, tell every student of ours that you should have it, but very few can actually inculcate it. So this is there, and this is what NCC teaches you, to have a good team spirit. You should be a good team player. That's very important. Nothing as an individual. You should be a good person, a person with values, values that you will last all your life. That is what is more important. A, B, C, whether whatever you did, camps, is immaterial. More important is how you are as an individual. And that individual counts to be a good citizen for tomorrow. That is what, you know, we basically want you to do, to imbibe good qualities, to be a good citizen, so that tomorrow when the future generations come, they will see
that whatever you will imbibe will automatically by default go into the future generations. That's all we're looking for. So I won't take much time. I know there is a time constraint. I will only end with this few words that I really was wanting to share with you. And this one more feeling that, you know, every NCC cadet has in them is integrity. And integrity is what? It is doing the right thing even when no one is watching you. That is more important. Sabke saamne to sabhi achhe bante hain. But tab karna jab koi dekh nahi raha is actual integrity. And I shall end by quoting our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He said, if seed of good humanity and good culture are sown, the rewards of a rich harvest can be reaped by generations to come. So this is all that I have to say. I expect that our future generations, of course, will be what we are expecting them to be, a real good human being, a real good Indian. So that's all that I have to say. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much for your valuable remarks. And again, thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much.